Hello students and my dear friends, myself Nirav Rana and welcome you all in Saraswat International Academy. So today in this video we are going to start one new chapter guys. One new chapter, that is chapter number 5, arithmetic progression. Okay, which chapter? That is chapter number 5, arithmetic progression in your class 10th. Okay, so before we are going to start this chapter, I want to know what is actually arithmetic progression? Arithmetic progression का मीनिंग क्या होता है? Anyone knows that? Okay, so what is actually arithmetic progression? See, short form of this chapter is AP. Okay, short form of this chapter is what? AP. And we can say that sequence. See, guys, another word we can use for the particular word arithmetic progression is what? It's a one kind of sequence, or we can say that it's a one kind of series. Okay. ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, सीरीज भी बोल सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट के एक्चुअली व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके गाइस, सो सी व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन. ओके, व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो एक्चुअली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं बराबर के भाई व्हाट इज एक्चुअली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो हियर वी हैव लिस्ट ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं, हम लोग उसकी लिस्ट बना देते हैं बराबर. सो इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स गाइस, इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड इन विच एवरी नेक्स्ट नंबर्स, एवरी नेक्स्ट टर्म्स, ओके, एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स नंबर टू द प्रीवियस वन. मीन्स वॉट? देखो हमारे पास नंबर्स है सपोज वन, राइट. सपोज इफ वी हैव वन नंबर, सपोज इट्स वन, राइट. और हम लोग को नेक्स्ट नंबर चाहिए, पर नेक्स्ट नंबर, इन ऑर्डर टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर हम लोग को कोई एक फिक्स नंबर डिसाइड कर लेना है कि हियर द फिक्स नंबर इज व्हाट. सपोज द फिक्स नंबर इज फोर. ओके, फिक्स नंबर इज फोर. नाउ एड दिस फोर इनटू दिस नंबर. ओके, अगर हम लोग ये फोर को इसके अंदर हम लोग एड करेंगे तो व्हाट विल वी गेट गाइस. तो वन प्लस दिस फोर तो इट्स फाइव. ओके, 5 प्लस दिस 4, 5 प्लस 4 व्हाट गाइस, 9. ओके, देन 9 प्लस 4 इज व्हाट, 9 प्लस 4 इज 13 एंड सो ऑन गाइस. यहाँ पे प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे आप लोग को एपी में तीन ही डॉट करने हैं. ओके, 4 सो ऑन पर्पस. ओके, फर्स्ट टर्म इज 1, 5, 9, 13 एंड आफ्टर दैट आप लोग कितने डॉट यहाँ पे यूज करोगे, यू कैन ओनली यूज द 3 डॉट्स. ओके, यहाँ पे 3 ही डॉट्स यूज करना है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दी एपी. ओके, चलो तो सी आप लोग को क्लियर हुआ, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज एक्चुअली एपी. कि भाई एक नंबर है, वी हैव वन नंबर एंड वन फिक्स नंबर एडेड टू दिस नंबर, सो वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म. ओके, सो नाउ मूविंग टू द डेफिनेशन गाइस, मूविंग टू द डेफिनेशन. ओके, सो इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर, वी कैन से दैट इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding fixed number, fixed number to the previous one, उसके आगे वाले में, right? Okay, I hope you understand कि भाई it's a list of numbers, एक number है उसके अंदर एक आप लोग fixed number add करो तो आप लोग को second number मिलेगा. okay, बाद में फिर से वो fixed number add करोगे तो आप लोग को तीसरा number मिलेगा. okay, तीसरी term मिलेगी, we can say that. okay, so it's a list of number in which every next term is obtained by adding the fixed number to the previous one. okay, so in order to understand the concept, okay, let us take one example. okay, so suppose you just considered one number, like suppose 3, this is your first number, huh? This is your first term guys, or first term ko hum log represent karenge by a, always you just remember this thing,
First term is always represented or denoted by A, or we can say that A1. This is your first term, okay? तो ये जो first term है guys, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स नंबर, यू जस्ट थिंक, कोई भी एक फिक्स नंबर आप लोग सपोज कर लो, लाइक फिक्स नंबर, सपोज योर फिक्स नंबर इज 4, राइट? योर फिक्स नंबर इज व्हाट? 4. नाउ एड दिस 4 इनटू द फर्स्ट टर्म, ओके? अगर ये 3 और ये 4 को हम लोग ऐड करें तो वी विल गेट 7, राइट? अगेन वी एड दिस 4 इनटू द 7, सो 7 प्लस 4 इज व्हाट? 11, ओके? 11 में अगर हम लोग 4 ऐड करें, इफ वी ऐड दिस 4 इनटू द 11, सो वी विल गेट 15 और सो ऑन. एंड आई अगेन रिपीट, यहाँ पे आप लोग 3 ही डॉट्स करोगे, यू कैन ओनली यूज 3 डॉट्स इन दिस केस, ओके? सो गाइस, ये जो है वो हमारे लिए एपी है, दिस इज एन एपी, हम लोग इसको एपी बोल सकते हैं बिकॉज एक सीक्वेंस बन रही है, ओके? यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉर्म हो रही है, राइट? सो सी, यू जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स. अगर आप लोग ये टू टर्म्स है, इन दोनों के बीच में आप लोग डिफरेंस देखो तो प्लस फोर, राइट? अगेन ये दोनों के बीच में आप लोग गैप देख लो, गैप, इट्स अ डिफरेंस, ओके? डिफरेंस इज अगेन 4, अगेन यू जस्ट सी 4, ओके? तो 4, 4, 4, अगर डिफरेंस सेम है तो एट दैट टाइम वी कैन यूज द वर्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके? वी कैन यूज द वर्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. व्हाई? बिकॉज इन ईच एंड एवरी केस और इन ईच एंड एवरी स्लॉट योर डिफरेंस इज सेम. डिफरेंस अगर सेम होता है तब भी आप लोग बोल सकते हो कि ये एपी है, ओके? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक सपोज 1, 9, 7, 3. सी, ये आप लोग को सीक्वेंस तो दिख रहा है, दिस वन इज द सीक्वेंस, राइट? ये सीक्वेंस है, बट इन दिस केस यू जस्ट ऑब्जर्व के इन योर फर्स्ट टू टर्म यू जस्ट सी डिफरेंस इज 8, ओके? फर्स्ट टू टर्म्स डिफरेंस इज 8, आप लोग इन दोनों के बीच में गैप देख सकते हो, तो इट्स 8. नेक्स्ट टू टर्म हैविंग द गैप -2, गाइस एक्चुअली हम लोग दो कम कर रहे हैं, बराबर? तो -2. And then after 7 and 3, gap is what? -4. So 9 in one case, in your second case, it's -2. In your third case, it's -4. So in each and every case, you just see that difference jo hai wo alag-alag hai, different hai. Okay, so difference is different. Okay, guys, difference jo hai, agar wo alag-alag hota hai, toh guys, hum log usko एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते. दिस वन इज नॉट योर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके? कैंसल आउट, ओके? सो दिस इज द एक्चुअल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन योर एक्चुअल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन गाइज, इन योर एक्चुअल एपी, ऑलवेज डिफरेंस इज सेम. डिफरेंस इन ईच एंड एवरी टर्म्स इज ऑलवेज सेम. रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. और एक वन मोर थिंग कि भाई, ऑलवेज इन योर ए पी ऑलवेज यू कैन यूज द 3 डॉट, ओके? मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि भाई 3 ही डॉट यूज करोगे. आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि भाई बहुत सारे सम्स होंगे, उसके पीछे उन लोग ने खाली 3 ही डॉट्स यूज किए होंगे, ओके? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई वॉट इज एक्चुअली ए पी, ओके? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, के सी वी हैव ए पी, ओके? लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, यहाँ पे ओनली 3 डॉट्स, ओके? 1, 3, 5, 7, 9, ओके? वी हैव 1 AP, यहाँ पे हमारे पास एक AP तो अवेलेबल है, राइट? नाउ यहाँ पे 1 by 1 कि भाई हाउ टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कैसे उसको गाइज मैं रिप्रेजेंट करूँ? सी गाइज, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, राइट? दिस इज योर वॉट? फर्स्ट टर्म. तो हाउ टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म गाइज, कैसे आप लोग रिप्रेजेंट करोगे? तो ऑलवेज रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म बाय ए और A1. आप लोग ए भी यूज कर सकते हो, A1 भी यूज कर सकते हो, राइट? दिस इज योर सेकेंड टर्म गाइज, ये आप लोग के लिए सेकेंड टर्म है. दिस इज योर सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म इज डिनोटेड बाय A2. ऑलवेज रिमेंबर, सेकेंड टर्म इज डिनोटेड बाय वॉट? A2. नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, ओके? हाउ टू रिप्रेजेंट द थर्ड टर्म? नाउ यू नो कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो भाई थर्ड टर्म इज डिनोटेड बाई A3, ओके? फोर्थ टर्म इज डिनोटेड बाई वॉट? A4.
फिफ्थ टर्म इज डिनोटेड बाई ए फाइव. सो हाउ टू डिनोट मीन्स ईच एंड एवरी टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं. ओके वो आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया है आई थिंक. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स. ओके हियर गाइस एक्चुअली वी डोंट नो द लास्ट टर्म. एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे लास्ट टर्म मालूम ही नहीं है. वी डोंट नो द लास्ट टर्म. ओके और वो लास्ट टर्म सपोज इट मे बी 11, इट मे बी 13, इट मे बी ऑफ 15 और इट मे बी ऑफ 17, बट एक्चुअली राइट नाउ वी डोंट नो. तो इन दिस केस वी कैन यूज फॉर द लास्ट टर्म. हियर वी डोंट नो द लास्ट टर्म, सो हियर वी कैन से दैट वी हैव एंड टर्म. मीन्स हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग यूज करेंगे कि भाई दिस वन इज आर एंड टर्म. लास्ट टर्म जो होगी उसको हम लोग बोलेंगे दिस वन इज एंड टर्म. तो इसको गाइज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट्स रिप्रेजेंटेड बाय गाइज, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय वॉट ए एन. लास्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉट? इट्स एन ए एन. इट्स आर लास्ट टर्म ए एन. ओके सो यू क्लियर गाइज? I hope you understand the concept like first term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term. Okay. Now, moving to the next part. Moving to the next part. Here, in each and every case, you just see, guys. In first case, your gap will be your gap is what? Plus 2. In this case, your gap is plus 2. In this case, your gap is plus 2 again. Okay. Again, plus 2. सो इन ईच एंड एवरी स्टेप्स यू जस्ट ऑब्जर्व योर गैप इज 2. ओके गैप हर एक केस में आप लोग को 2 दिख रहा है. सो चैप्टर का स्टार्टिंग करने से पहले आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग ने एपी तो क्लियर हो गया कि भाई एपी किसको बोलते हैं. एपी मीन्स के भाई ईच एंड एवरी स्टेप्स योर गैप विल बी सेम, योर डिफरेंस इज सेम. ओके बट इफ डिफरेंस इज नॉट सेम, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग उसको एपी नहीं बोल सकते. तो आई थिंक सो यू होप, आई होप के यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एपी. ओके तो एपी वाला क्लियर हुआ. चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. अभी हम लोग देखो इन दिस चैप्टर वी हैव 3 एक्सरसाइज. ओके यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सरसाइज है एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो देयर बट दिस वन इज ऑप्शनल, वी कैन से दैट वो ऑप्शनल है. ओके तो हियर इन दिस चैप्टर वी हैव 3 एक्सरसाइज. इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज गाइज, इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज यू जस्ट सी के भाई पहली जो एक्सरसाइज है ओके उसमें हम लोग थोड़ा एपी के बारे में जानेंगे कि भाई वॉट इज एपी. एक्चुअली एपी दैट वी नो. ओके और इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ए मीन्स योर फर्स्ट टर्म और वी कैन से दैट डी. डी भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं. डी वो होता है डिफरेंस गाइज जो मैंने अभी तक आप लोग को नहीं बोला, नहीं आप लोग को एक्सप्लेन किया. ओके सो डी फाइंड कर सकते हैं. ओके और सेकेंड टर्म इन ऑर्डर टू फाइंड दी सेकेंड टर्म इन ऑर्डर टू फाइंड दी थर्ड टर्म इन ऑर्डर टू फाइंड दी फोर्थ टर्म. दिस ऑल दी थिंग्स बराबर दिस ऑल दी थिंग्स हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे इन दिस एक्सरसाइज राइट. सो फर्स्ट एक्सरसाइज आई होप यू क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्चुअली इन योर सेकेंड एक्सरसाइज सी सेकेंड एक्सरसाइज में गाइज हम लोग सपोज मैं आप लोग को बोल दूँ कि भाई 50 नंबर की टर्म फाइंड करो. एक्चुअली वी हैव ओनली 4 टर्म्स लाइक 1, 3, 5, 7 बट आई एम आस्किंग यू कि भाई यू हैव टू फाइंड द 50 नंबर मीन्स 58 टर्म मीन्स 50 नंबर की टर्म पे कौन सा आंसर होगा. ओके देन हाउ टू फाइंड? तो इन ऑर्डर टू फाइंड द मीन्स 58 टर्म या तो 52 टर्म बराबर 53 टर्म वी कैन से दैट बराबर 54 नंबर की टर्म फाइंड करनी है, 99 नंबर की टर्म्स फाइंड करनी है बराबर वो टर्म फाइंड करनी है. तो ये जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें हम लोग एक फॉर्मूला लर्न करने वाले हैं दैट इज ए एन कि भाई हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर टर्म. ओके और उसके रिगार्डिंग उसके प्रॉब्लम सम्स वी कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम सम्स इन दिस एक्सरसाइज. ओके प्रॉब्लम सम्स. ओके नाउ मूविंग टू द थर्ड एक्सरसाइज. मूविंग टू द थर्ड एक्सरसाइज भाई थर्ड एक्सरसाइज में क्या है कि सम ऑफ देखो जैसे कि मैं आप लोग को बोलूँ कि फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 3, 5, 7 नाउ इन सभी को मुझे प्लस कर देना है मीन्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स. ओके तो सम फाइंड करना है सम. तो सम ऑफ एंड टर्म्स
मतलब जितनी भी टर्म्स आप लोग के पास अवेलेबल होगी, वॉट एवर द टर्म्स अवेलेबल इन योर एग्जाम्पल एंड यू हैव टू फाइंड दिस सम, तो ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग देखने वाले हैं. सो आई होप यू क्लियर गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड ओके कि भाई ये चैप्टर में कौन कौन से पार्ट्स हैं. ओके एंड द फोर्थ एक्सरसाइज इज ऑप्शनल, आई अगेन रिपीट, फोर्थ एक्सरसाइज इज ऑप्शनल टोटली. तो ऑप्शनल एक्सरसाइज का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, जैसे आप लोग को मैंने बोला कि भाई यहाँ पे एक डी करके कुछ चीज़ है, वो नई है आप लोग के लिए. सो भाई व्हाट इज डी एक्चुअली, व्हाट इज ए, व्हाट इज डी, दिस ऑल दी थिंग्स नाउ अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. बराबर, सो आर यू गाइज रेडी ना? ओके ओके लिसन गाइज, सी ए इज वॉट, ए इज योर फर्स्ट टर्म, ए इज योर फर्स्ट टर्म एंड इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड टू अंडरस्टैंड. बराबर, कि पहली टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म ही होगी ऑलवेज. ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, जैसे मैंने आप लोग को बोला ए वन, ए वन इज योर फर्स्ट टर्म राइट, अगेन ए वन इज योर फर्स्ट टर्म, वी कैन से डेट वी कैन यूज ए और ए वन. ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ए टू, ए टू इज वॉट गाइज, ए टू इज सेकेंड टर्म, ए टू इज वॉट, सेकेंड टर्म. ओके ए थ्री इज वॉट, थर्ड टर्म, ए फोर इज वॉट, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म. ओके सो क्लियर गाइज, ऐसे ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन यू मीन्स आप लोग फेस कर सकते हो ऐसे टर्म्स डिफरेंट. नाउ यहां पे एक वर्ड मैं लिख रहा हूं गाइज, डी, डी मीन्स वॉट गाइज, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. पर ये वर्ड कैसे बना मैं आप लोग को वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि भाई व्हाट इज डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस. ओके डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ड भाई कॉमन डिफरेंस कहाँ से वर्ड आप लोग के सामने आ गया. बराबर, तो लेट अस टेक वन एग्जांपल, लेट अस टेक वन एग्जांपल, लाइक सपोज इफ वी हैव वन एपी गाइस, इफ वी हैव वन एपी, हमारे पास एक एपी है जैसे कि 3, 6, 9, 12 सो ऑन, ओनली थ्री डॉट्स वी कैन यूज. ओके 3, 6, 9, 12 एंड दिस वन इज ए पी एज आई टोल्ड यू. बराबर, कि ये ए पी ही है और ए पी में आप लोग को मैंने बोला कि गैप सेम होता है इन ईच एंड एवरी टर्म्स, यू ऑलवेज यू जस्ट सी कि योर गैप विल बी सेम, योर डिफरेंस इज सेम राइट. ओके सो यू जस्ट सी गाइज, सी गाइज, दिस इज योर फर्स्ट टर्म ए वन, दिस इज योर सेकेंड टर्म दैट इज ए टू, दिस इज योर थर्ड टर्म दैट इज ए थ्री एंड दिस इज योर फोर्थ टर्म दैट इज ए फोर. ओके एंड वी डोंट नो द नेक्स्ट टर्म्स. ओके वी डोंट नो द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय ए एन. ओके डोंट नो राइट नाउ, वी डोंट नो द लास्ट टर्म, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एंड टर्म. ओके सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ए पी इज गिवन गाइज, ए पी मैंने आप लोग को दे दिया है. नाउ यू हैव टू टेल मी के भाई व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सी है गाइज, विच वन इज आर फर्स्ट टर्म इन दिस केस. फर्स्ट टर्म इज ए वन इज इक्वल टू थ्री. ओके इट्स विजिबल. ओके देन ए टू इज इक्वल टू सॉरी ए टू इज इक्वल टू सिक्स, देन ए थ्री इज इक्वल टू नाइन एंड ए फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. नाउ एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, क्या फाइंड करना है हम लोग को, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स गाइज, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स. अभी बोलो मुझे कि डिफरेंस कितना आप लोग को दिख रहा है, पर डिफरेंस गाइज ऐसे तो हम लोग नहीं लिख सकते डायरेक्टली कि भाई 6 माइनस 3. बराबर, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते बिकॉज वी आर, आप लोग यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, सो आप लोग को हर एक चीज़ एकदम प्रॉपरली लिखनी होगी प्रॉपर वे में. ओके सो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज ए टू, द सेकेंड टर्म इज ए वन. ओके एंड सी गाइज, ऑलवेज आप जब भी डिफरेंस फाइंड करते हो तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. बराबर, के ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकेंड वन.
मतलब सेकेंड में से ही आप लोग को फर्स्ट माइनस करना है, राइट? या तो वी कैन से दैट सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू, सक्सीडिंग मतलब के नेक्स्ट वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू आप लोग को माइनस करनी है, तभी आप लोग डिफरेंस फाइंड कर सकते हो. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स. नाउ सी, दिस इज योर प्रीसीडिंग टर्म्स, वी कैन से दैट देन सक्सीडिंग. ओके, तो वी कैन यूज फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंस. अगर हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट, आई अगेन रिपीट, सेकेंड माइनस फर्स्ट. ओके, तो सेकेंड टर्म इन आर केस, सेकेंड टर्म इज 6, फर्स्ट टर्म इज 3, सो 6 माइनस 3 इज वॉट, इट्स 3. क्लियर गाइज? देन मूविंग टू द नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टू टर्म्स, मतलब उसके बाद वाली जो टू टर्म्स है उन दोनों के बीच का चलो डिफरेंस फाइंड करो. तो नेक्स्ट टू टर्म्स, देखो ये दो टर्म्स हम लोग ने ले ली. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टू टर्म्स, दिस ए टू एंड ए थ्री. ओके, सो ए थ्री माइनस ए टू, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू. ओके, नेक्स्ट वैल्यू इज वॉट, यू जस्ट सी, वैल्यू ऑफ ए थ्री इज 9. And A2 is what? A2 is 6. Okay? So 9 minus 6 is what? It's again 3. Guys, you just see. Difference in both the cases is 3, right? Now, moving to the next. I want to find the difference between next two terms. So difference between next two terms. Difference between next two terms. Now just tell me. A2 minus A1, A3 minus A2, now A4 minus A3, A4 minus A3, guys. So, which one is our fourth term? Which one is our fourth term? Fourth term is 12 and third term is 9. Okay, so 12 minus 9, it's again 3. You just see, in all these three cases, first case, second case, third case, you just see your difference is same. So, guys, agar difference same hai, डिफरेंस की वैल्यू भी सेम है तो कॉमन वैल्यू बोल सकते हैं. वी कैन यूज द वर्ड कॉमन, कॉमन डिफरेंस. डिफरेंस तो है पर सेम है. ओके, सो कॉमन डिफरेंस, ओके, हम लोग बोल सकते हैं उसको कॉमन डिफरेंस. इन ईच एंड एवरी केस योर डिफरेंस इज सेम, सो इट्स व्हाट, कॉमन डिफरेंस, राइट? तो यहां से गाइज आप लोग ये डी जो है उसको आप लोग समझ सकते हो कि भाई डी मीन्स व्हाट, कॉमन डिफरेंस. डिफरेंस सेम है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कॉमन डिफरेंस. Very simple things, brother. So here, in order to what, denote the difference. अगर difference को हम लोग denote करेंगे, तो वो d use करेंगे always. Okay? So here in this case d, here in this case d, d, d. Okay? Over here d and again d. So I hope you clear, guys. आप लोग को मैं AP दे रहा हूँ. I will give you one AP. You have to find the first term and the common difference. ओके, आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो. आई होप यू क्लियर गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी. एपी मीन्स सीक्वेंस. बट सी, सीक्वेंस वी हैव, हमारे पास एक सीक्वेंस तो है, बट इन दैट सीक्वेंस, इन दिस सीक्वेंस वी कैन से दैट द डिफरेंस इज सेम इन ईच एंड एवरी टर्म्स. आप लोग टर्म्स देख रहे हो, टर्म्स में अगर डिफरेंस सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वन इज एपी. पर अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है. प्लीज रिमेंबर, हाँ, ये चीज आप लोग अपने माइंड में फिक्स कर लो. वन मोर थिंग मैंने आप लोग को नोट डाउन करने को बोला कि इन ईच एंड एवरी एपी यू कैन ऑलवेज यूज 3 डॉट्स. 3 ही डॉट्स आप लोग यूज कर सकते हो, उससे आगे नहीं यूज करना है. बराबर, आप लोग यूज करना हो तो कर सकते हो, बट इट्स अफेक्ट्स टू यू. बराबर, ये आप लोग को अफेक्ट करेगा अपने मार्क्स में. अगर आप लोग फुल मार्क्स ला रहे हो, जैसे कि 100 में से 100 आया, 80 में से 80 आया, तो यहाँ पे एकाध दो मार्क्स या तो 0.5 मार्क्स उन लोग को कट करने हैं तो वो लोग कट कर सकते हैं. बराबर, तो प्लीज फोकस करो इस चीज पे. चलो, तो नाउ नाउ वी विल स्टार्ट गाइस, क्या हाउ टू फाइंड द फर्स्ट टर्म, हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस नाउ एंड आइडेंटिफाई दिस वन इज एपी और नॉट. ओके, सम में आप लोग को मैं पूछूं कि भाई फर्स्ट टर्म फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, एपी है कि नहीं, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई आप लोग वो भी आइडेंटिफाई करो कि भाई ये एपी है कि नहीं. तो ये हर एक चीज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में देखने वाले हैं. बराबर, सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल नंबर 1 गाइस. ओके, सो बट बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सी गाइस, आई विल गिव यू द जनरल फॉर्म.
general form of an AP. What is the general form, guys? See, guys, general form. I will give you the general form or like general form. See, general form of an AP. AP का general form क्या होता है, guys? जैसे कि मैंने आप लोग को बोला A1, first term is A1, A2, A3, A4, so on, three dots only, okay? And the last one is AN, right? A1, A2, A3, A4 and the last term is AN, means we have AND term, okay? So now, see your first term. First term ko main denote karunga by A only. First term is denoted by A only. Abhi maine aap log ko bola tha, as you know the definition, actual definition, ke we have list of numbers and every next term is obtained by adding some fixed number. Fixed number jo hai wo aap log ko add karte rehna hai, and the fixed number ko hum log bolte hai common difference, guys. Okay, fixed number is what is, it is your common difference. Okay, so common difference add karte jao. Like A plus D, this is your first term. Okay, ye na first term hai, uske andar aap log ek common difference add karo. Then again you can add one more, means आप लोग अगेन वो फिक्स नंबर ऐड करोगे, मीन्स ट्वाइस टाइम्स, टू टाइम्स यू कैन ऐड द नंबर्स इन टू द प्रीवियस वन, ओके, टू टाइम्स, सो 2D, अगेन थ्री टाइम, मीन्स थ्री टाइम्स, थर्ड टाइम वी कैन ऐड दिस नंबर इन टू द फर्स्ट नंबर. पहले वाले नंबर में आप लोग एक बार D ऐड कर रहे हो, दूसरी बार D ऐड कर रहे हो, तीसरी बार D ऐड कर रहे हो, तो वी कैन राइट A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड सो ऑन, ओके, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. एंड देखो दिस वन इज आवर जनरल फॉर्म, ओके, ये हमारे लिए जनरल फॉर्म है कि भाई जनरल फॉर्म, अगर मैं आप लोग को पूछूं कि भाई राइट डाउन द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, तो फर्स्ट टर्म इज A, देन A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड सो ऑन, ओके, सो आई होप यू क्लियर जनरल फॉर्म. ओके, नाउ सपोज गाइज I want to find the fourth term, guys. मुझे fourth term find करनी है, okay? अगर आप लोग को कोई और term find करनी है तो it's okay. But मुझे तो fourth term find करनी है. I want to find what? To find fourth term. To find the fourth term, guys. How to find? Can you tell me fourth term? Do you have any formula? आप लोग के पास कोई formula है? Do you have? No? Okay. See, just look at over here. This is your first, second, third and fourth. So this is your formula, guys. In order to find your fourth term, you have one formula, A plus 3D. Okay, A plus 3D. Is this clear all of you now? Okay, now moving to the next. If I want to find the 11th term, 11 number ki term mujhe find karni hai. I want to find the 11 number term. So we have formula to find the 11th term. So how to find, guys? How to find? See, guys, A plus, यहाँ पे 4 था, then we can use 3 over here, means 1 is decrease, ना? 4 and 3, तो यहाँ पे 11 है, तो we can use 10D, right? So A11 is equal to A plus 10D. Now how to find 23rd term? Okay, 23rd number की term that we have to find. Okay, so how to find A plus 22D? Okay, A plus 22D. So this, see, in order to find the different terms, we have formula now. Okay, देखो, तो इसको हम लोग guys थोड़ा AND term के बारे में बोलते हैं कि here we have AND term. Guys, यहाँ पे तीन ही dots use करने हैं, please. और मैंने यहाँ पे AN लिखा है. तो guys देखो, यहाँ पे 4 था तो मैंने 3 use किया. Okay, 5 होगा तो 4, 6 होगा तो 5. Now we have AND term. अगर AND है तो मैं क्या यूज करूं वहां पे? ओके, वो आप लोग को डिसाइड करना है. अगर AND है तो आप लोग क्या यूज करोगे? A प्लस एन माइनस वन इन टू डी. ओके, अगर AND है तो वॉट? A प्लस एन माइनस वन इन टू डी. जैसे 4 है तो मैंने 3 यूज किया, मतलब एक कम कर दिया. वैसे AND है तो उसमें से एक कम करूं तो कितना होगा? इट्स एन माइनस वन, राइट? n में से 1 सब्ट्रैक करो, सब्ट्रैक 1 फ्रॉम द n, सो यू विल गेट व्हाट? n माइनस 1.
Okay, so in order to find the nth term, we have one formula, that is a plus n minus 1 into d, guys. So an is equal to what? Actually a plus n minus 1 into d. Okay, see here, I again repeat, यहाँ पे देख लो, fourth है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे a plus 3d means previous number. Okay, four है तो हम लोग 3 लिखेंगे. वैसे यहाँ पे n है तो हम लोग क्या लिखेंगे? n के जगह पे उसके previous वाला number. Okay, it's n minus 1. So what is the formula for an? An is equal to what? A plus n minus 1 into d. Okay guys, so now here we can write an is equal to what? A plus n minus 1 into d, right? Now suppose we have to find the 78 number term. Okay, 78 number term ke upar hamara kaun sa number hoga, kaun sa answer milega, kaun si value hogi, that we have to find. So kaise find kare? So by using this formula, an is equal to what? A plus n minus 1 into d. Now you just replace the value of n by 78. Okay, actually we have to find the value of 78. Okay, 78 number term that we have to find. So a 78 is equal to what? A as it is, just replace the value of n by 78 minus 1 into d, right? So a 78 is equal to what? A plus 78 minus 1, it's 77d, right? So a 78 is equal to what? As you know, k 78 hai the previous number that we have to take. Okay, a plus 77d. So a 78 is equal to what? A plus 77d. Now we have to find, suppose we have to find this one is one example. Okay, now moving to the next example, suppose we have to find the 99th number term. Okay, 99 number pe kaun si value hogi that we have to find. Okay, so again we can use this formula, an is equal to a plus n minus 1 into d. So here we have formula a plus n minus 1 into d, right? But in place of n, we can write this 99, right? यहाँ पे n की जगह पे हम लोग 99 place करेंगे. So what will be our answer? A plus 98d. So in order to find 99th number term, we have one formula, A plus 98d. But listen guys, this one is the standard formula. Okay, an का formula जो है वो standard है, and आप लोग को ये second exercise में भी काम में आएगा, first exercise में भी शायद काम में आ सकता है. So an is equal to what? A plus n minus 1 into d. This one is the standard formula. Please remember this formula guys. Okay, so I hope you clear. So today what we had learned guys, we had learned about the AP. What is AP? Okay, AP क्या है? AP, it's a one kind of sequence, but in that sequence your difference is same in each and every terms. Okay, and if you write down one AP like 1 3 4, okay sorry 1 4 7, aise aap log agar AP likhte ho to iske piche teen hi dots use karne hai, 3 dots we can use only. Okay, now aur hum log ne kya dekha? What is first term and how to denote it, the first term? Okay, so first term is denoted by A, or we can say that A1. Okay, then after, for this second term, say how to denote the second term guys? So A2, A3, A4. Okay, wo sab cheez aaj hum log ne dekhi. Then moving to the next, how to find the difference? Okay, difference between two terms, so usko hum log bolte hai D. Okay, D means what? It's a common difference. Okay, common difference हम लोग ने आज देखा कि उसका नाम कहाँ से हम लोग बोलते हैं, common difference ही क्यों बोलते हैं, और not difference ही क्यों नहीं? Why we are using the word common difference? Because in each and every term, you just see the difference is same. That's why we can use the common difference. Okay, common difference word. So AP, what is A, what is D, and what is AN? हम लोग ने general form भी देखा, A plus D, A plus 2D, A plus 3D. Okay, so now we are wind up over here. Okay guys, so now we will continue in next lecture. Okay guys, thank you all of you. Okay, bye.